In this Great India Road Trip, CNBC TV 18 has reached the city of Indore. We've traveled through Ahmednagar, Aurangabad and Jalgaon cities in the state of Maharashtra to now reach Indore, assessing the ground realities and the exact impact of demonetization on semi-urban and rural India. Agricultural India dealing with the demonetization move by the government, we headed straight to Fulambari APMC market in Aurangabad. This is the season when cash crop cotton is coming to mandis to be sold. And for farmers who've not been able to sell it before the 8th of November, it is a distressing picture. Spot prices of cotton have fallen to way below 4,000 rupees per quintal, and most farmers are not willing to take payments in checks thanks to long clearance time at banks. आपको ये 500,000 रुपए के नोट बंद होने के बाद से आपके काम पर क्या असर पड़ा? काम पे बोले तो हमारा पूरा धंधा गया. धंधा बोले तो छुट्टे ही नहीं मिलते, पैसे सौ सौ के नहीं मिलते, चिल्लर पैसे नहीं मिल रहे, 10 के नोटा नहीं मिल रहा, पूरा 500 के ना 1000 के नोटा, तो हमारा धंधा पूरा लॉक हो गया. तो आप जब ये कपास खरीद रहे हैं अभी, तो किस भाव पे खरीद रहे हैं? आप 100 के लिए नोटा लिए तो 40 रुपए ले रहे, तो 500 के दिए तो 45 रुपए लिए, 500 के 1000 के नोट लिए. तो अगर 100 का जो छुट्टा मांग रहा है आपसे, जो कपास बेचने आया है, 100 का नोट मांग रहा है, तो आप उसको क्या रेट दे रहे हैं? 40 रुपए. 40 रुपए पर किलो? पर किलो मतलब 4000 रुपया क्विंटल. और अगर 500 का नोट ले रहा है तो 4500 रुपए. तो 4500 रुपए क्विंटल का भाव दे रहे हैं. सरकारी भाव 5000 रुपए का है कपास का, है ना? तो इतने कम में आप कैसे बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं? बोले तो छुट्टे का वादा, पैसा नहीं ना, पैसा का वादा है ना, मार्केट में पैसा उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं ना. बैंक में जाने के बाद 2000 रुपए की नोट मिल देते नहीं. आप शेतकारी हैं, आप क्या लेके आए थे? कपास लेके आए थे ना. कितने भाव में बेचा आपने? 35 रुपए से. चिल्लर खत्म हो गए, इनके पास का पैसा खत्म हो गया, 35 रुपए से लिया हमारा. कितना क्विंटल, कितना माल था अभी भी? आपके पास कितना माल था? माल बहुत था, लेकिन अभी 50 किलो लाया था मैंने बाजार के वास्ते, तो फिर 35 रुपए लिया. हमारी परेशानी यही थी, जब हम बैंक में ही जाते तो बैंक में क्या रहता है, जो लाइन लगती है ना, उसमें सब शेतकरी नहीं रहते, उसमें सब वो जो बड़े लोगों के दलाल रहते ना, वो लाइन में खड़े रहते, उसमें से शेतकरी जो है वो परेशान है. शेतकरी उसमें जो 100 लोग वाला लाइन में रहते ना, उसमें सिर्फ 30 शेतकरी रहते, बाकी सब वो दलाल ने जो पैसे देके खड़े करके उसके पैसे के ये करते हैं, इसलिए शेतकरी को परेशान हो रहे. शेतकरी शाम तो खड़े रहते उस लाइन को, माल को भाव नहीं मिल रहा, उसको मिलता नहीं पैसा चिल्लर, नहीं तो उसको अगर शेतकरी के बैंक में हर दिन भी 2000 रुपए मिल गए ना छुट्टे, तेरी शेतकरी समाधानी है, उसको कुछ नहीं चाहिए. इतना ही कपास को जो भाव है ना, ये जो व्यापारी लोग कर रहे, जुने जो पहले नोट है ना, जुने नोटो वो लेंगे तो पस्ती भाव कम के देते, नया नोट लेंगे भाव कम लेते, जूना नोट लेंगे तो भाव बढ़ा के देते. पर फिर भी 5000 का जो भाव है वो भाव चल नहीं रहा है. क्यों? पैसे नहीं ना, उपलब्ध नहीं ना पैसे. सिर्फ सिर्फ वही एक वजह है, वही वजह है ना, पैसा उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए पैसा उपलब्ध होने पर भी नहीं लेते 50 रुपए कोई. शेतकारी बोल रहे हैं कि पैसा उपलब्ध होने के बावजूद भी आप सरकारी नहीं ले सकते. क्यों नहीं लेते? क्या मालूम, सामने वाला व्यापारी है ना, नफे में रहता ना करके, वो जिसको खरीदी नहीं करता, खरीदी नहीं करता. तो आप लोगों को अगर देता नहीं ना, अभी यही सामने खड़े होके बात हो रही, शेतकारी बोल रहे हैं कि अगर पैसे का परेशानी ना हो तो भी व्यापारी जो है 5000 का दाम नहीं देते हैं. ऐसा क्यों है? तो पैसे नहीं, उधर भी पैसे नहीं आ रहे ना, पैसे का प्रॉब्लम है ना. अच्छा, प्रॉब्लम अभी पिछले अभी अभी पैसे का प्रॉब्लम 8 नवंबर से आया है, और कपास का वो 8 नवंबर के पहले भी बिक्री हो रहा था, उसके पहले किस भाव पे बिक्री हो रहा था? उसके पहले भी 35 रुपए, 38 रुपए लिया है इन्होंने, 45 रुपए तक गए, 35-40 45 से 40 ना. अगर 500 के नोट पे ले रहे, 500 नोट 1000 के नोट पे सिर्फ, तो अभी
कहने का ये मतलब है कि 5,000 पे तो बिका कभी भी नहीं बिका है, अभी तक नहीं बिका। अभी सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी ये है कि इनको भी पैसा नहीं है, आपको भी पैसा नहीं है, इसलिए दाम घटा के दे रहे हैं। अभी सोचे नहीं है कि चेक वगैरह पे पेमेंट ले सकते हैं, आप चेक वगैरह पे दे सकते हैं तो आप उसी दाम पे देंगे, वो चेक जाके अपने जमा करेंगे। आपको लगता है आप ऐसा करना सोचे हैं? बाजार में ना चेक चलता नहीं, दुकानदार के बाजार में क्या है, भाजीपाला लेना पड़ता, सफरचंद लेना पड़ता, कोई गोड़तेल लेना पड़ता शेतकरी को, सब कुछ चेक चलता नहीं, यह मिनी बैलेंस होने वाला। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब परेशानी सिर्फ चिल्लर की है, ठीक है, तो उसको क्या दूसरी तरीके से आप लोग सोच रहे हैं करने का कि चेक पे लेंगे तो भैया आप 5,000 ही दो, चलेगा ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ बाजार में नहीं चलेगा। ADCC एक बैंक है जो सहकार क्षेत्र से चलती है, जो नेशनलाइज बैंक है वो तालुका प्लेस पर है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। कितनी दूर पड़ा है यहाँ से? आज 30-35 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इसलिए नेशनलाइज बैंक में हर कई किसानों का अकाउंट नहीं है। गवर्नमेंट जिनिंग में भी जाते हैं तो 20 दिन या 25 दिन क्लियर चेक क्लियर ही होता नहीं। अगर उन्होंने चेक भी दिए, जैसे कि मैं भी फार्मर हूँ, मेरे पास में 15-16 एकड़ खेती है, मैं मेरा कपास लेकर अगर जिनिंग में गया, जिनिंग में मेरा कपास बेचे गया तो उधर से मैंने चेक लिया तो वो 25 दिन क्लियर नहीं होता, क्योंकि मेरा अकाउंट ADCC में सहकार क्षेत्र से जो बैंक जुड़ी है वहाँ अकाउंट है, वहाँ मैं चेक जमा करूंगा वो जाएगा, उसके बाद में वो ये बोलेगा अभी आया नहीं, हमने भेजे ही नहीं, वो 25 दिन तो उसमें चले जाते, 25 दिन पेमेंट के लिए रुकना पड़ेगा अगर चेक से आप करना शुरू किए तो। Some farmers even had to go back without selling their produce. कितनी कपास लेके आए थे? 24 किलो। 24 किलो तो बेचे नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं बाजार? नहीं थे कभी व्यापारी, नहीं मॉडल ना, नहीं थे। हाँ नहीं बोल रहे व्यापारी। क्यों बोलते? 3,000 रुपए। 3,000? अभी तो हमको बोले कि अगर पुराना नोट लेंगे तो 4,500 रुपए का भाव दे रहे हैं, नया नोट लेंगे तो। नोट मोड़त नहीं मैडम, बैंक के लिए इतनी ना, बैंक में लेते नहीं वो नोट, तो फिर क्या करने का, 100 किस नोट आने ना। तो पुराना नोट, अगर नया नोट आप लेंगे 100 का लेंगे तो भी बोल रहे 4,000 का दाम देते हैं। 100 का बोले तो नहीं बोल रहे, वो तो बोले आगे जाओ, आगे से दुकान नहीं, वापिस आए हमें जाके। तो अभी आप ये लेके कहाँ जा रहे हैं? घर पे। अभी आप ये लेके जाएंगे फिर वापस बेचने कब आएंगे? रविवार के दिन, आज के आते हैं। अगले हफ्ते? अगले हफ्ते तक आप इसको रखे रहेंगे? We reached the APMC in Fulambari to meet the APMC secretary responsible for ensuring fair trade. जो MSP का रेट रहता गवर्नमेंट का, उसके नीचे अगर खरीदी होती तो हम उसको रोकते। अच्छा, अभी अभी आपके इधर मार्केट में कपास किस रेट पे बिक रहा है? अभी 5,000 तक है, 4,750, 4,805। सरकारी रेट ये तीन सरकारी है। रेट कम है, सरकारी रेट 3,950। ये प्राइवेट लोग आ ले रहे हैं, गवर्नमेंट का शुरू नहीं हुआ इधर, एक प्राइवेट लोग आए लेने वाले, गवर्नमेंट का भी स्टार्ट नहीं हुआ। पर गवर्नमेंट का रेट 3,900 तो नहीं है? गवर्नमेंट का रेट तो 4,500 के ऊपर का है। वो अलग रहता है, वो कपास DCH रहता है, ये जो सादा कपास है ना उसका 3,950 है। 3,950 है। अच्छा, हम लोग अभी मार्केट से आए हैं इधर, क्या मार्केट का नाम था दत्ता जी? अच्छा, वो भी आप ही के अंडर में आता है ना? वहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि 5,000 का रेट मिलना चाहिए था उनको, खास करता हूँ। हाँ, और बिक्री हो रही है 4,500 रुपये अगर पुराना नोट लेंगे तो, 4,000 रुपये अगर छुट्टा लिए तो, और किसी किसी ने 3,500 रुपये में भी बेचा है। आज तो हमारे इधर तो ऐसी कोई ये नहीं आई शिकायत अभी तक खास करके। These are the farmers who, you know, were hoping for a bumper crop this year, for bumper profits, because after 3 years of drought, this was a year which saw good monsoon. So they were hoping they could sell their cotton produce for more than 5,000 rupees a quintal, but that was not to be, because in the market they are selling it at much less than 4,000 rupees quintal also. With camera person Bharat Kori and Sunny Paswan, this is Archana Shukla here in Aurangabad district and in a taluka named Fulambari. With limited cash in hands of the farmers, the impact could also be felt on the Rabi crop. Experts say that if the liquidity crisis continues for another 2 weeks, Rabi crop could be impacted severely. As far as inputs are concerned, we still have about 2 weeks to sort it out.
So it has to be done on an emergent basis. Farmers will need to apply urea and other fertilizers in about 2 weeks' time. So they will need cash to buy that. See, as far as cooperatives are concerned, it is true that many cooperative banks have not been doing very well. There is political intervention and so on. But so is the case with commercial banks. We took a trip to a rural weekly market to find out what's the impact of demonetization. We'll get you a snapshot after this break. We came to a weekly market here in Taluka Fulambari in District Aurangabad to find out what is the impact of demonetization. This is a weekly market where farmers come to sell their produce, and the cash that they get from the sale of produce, they buy their essential items, the things that they need. And the market here kind of had a deserted look. Most shopkeepers say that they are doing business only 20% of what they would have ideally done if the demonetization and the 500,000 rupee notes were not banned. अच्छे समय में कितने का आप बिक्री कर लेते थे? अच्छे समय के अंदर हम 30-35,000 का धंधा करते थे. अब ये पैसा ना होने के वजह से 6-7,000 रुपए आ गए. कभी 6 होता है, कभी 5 होता है. क्यों लोग बिल्कुल ही खरीदने नहीं आ रहे? खरीदने को बोले तो पुरानी नोट चल रही नहीं ना. पुरानी नोट लेकर आता था वो हमारे पास, जहाँ से माल हम खरीदते वो लेते नहीं. और जो बड़ी नोट निकली हुई 2,000 की, वो हमारे पास उसका चेंज रहता नहीं. कोई 2,000 की नोट लेकर आता भाई, 200 का सामान लेने को उसको 1,800 रुपये देने को हमारे पास रहते नहीं. वो ग्रेक चल जाता, ग्रेक टूट जा रहा. वैसे करते करते ऐसी ग्रेक टूट जा रही है हमारी. और वो खजूर जो आप बेच रहे हैं? हाँ, ये खजूर. ये किस दाम पे बेचते हैं? ये खजूर अभी इसका 80 रुपये से, अगर ज़्यादा अच्छा भाव आया तो इसको 100 रुपये का भाव मिलता है. तो इसका 20% हो गया कम. पर सबसे ज्यादा नुकसान आपको गुड़ के अंदर. पर अभी तो मौसम है ना गुड़ खरीदने का. गुड़ का मौसम है लेकिन पैसों का मौसम नहीं ना मैडम. पैसा तो ठंडा हो गया ना. बैंक में बदली कराने जा रहे हैं तो? बैंक के अंदर बदली कराने जाओ तो बोलते हैं भाई 15 दिन के बाद आओ. और 1,500 की नोट लेना हमारा धंधे वाले, हमने उससे वहाँ पे क्या देना उसको? 15 दिन तक तो हमारे को पैसा मिल रहा नहीं ना. 15 दिन तक क्या कर सकते? इसलिए हम वो नोट खरीद रहे नहीं, ले रहे नहीं. आज आपने कितने की बिक्री कर ली है? 6,000 की होगी. 6,500. 6,500. अभी क्या मतलब, अभी और बिक्री होगा? अभी मार्केट डाउन चलेगा? आप चलेगा एक टाइम होगा मैडम. बस आज 6,500 का ही बिक्री हुआ है आपका ना? हाँ, इसका 1,500 रुपए जाएगा टेम्पो का. क्या बोले? वाहन का 6,000, 1,500 रुपए भाड़ा जाएंगे इसका. और 4:30 में हम दोनों रहेंगे. 4:30 में आप दो जन? हाँ, ये रोजी रोटी भी नहीं मिल रही मैडम. अभी मोदी सरकार ने तो निर्णय अच्छे लिया, पर ये नोटों बढ़ाया नहीं ना उन्होंने. पहले नोटो बढ़ाना था, उन्होंने मार्केट में नोट भेजना था, बाद में मार्केट ये ले लेना था. उन्होंने ले जल्दबाजी के अंदर ले ली. निर्णय बहुत सही है लेकिन परेशानी बहुत हो रही है खेती वालों का. जितना साल है ना पूरा वाया हो गया. काले धन पकड़ने के वास्ते गरीबों को, बहुत किसानों को नुकसान हो गया. इसकी काले धन को पकड़ने को जा रहे थे वो, पर ये किसान मर गए उसके अंदर. सब गरीब जनता मर गई मैडम. 7 साल भर लोगों का जो इस पर खेती पे फसल होती है ना, उस पर शादी ब्याह करते हैं लोगों को. जहर खाने की बारी आ गई. अब इस बार फसल तो अच्छी हुई है? फसल तो बहुत अच्छी हुई लेकिन ये मसल दिया ना. फसल को मसल दिया है इज द वर्ड दैट ही इज यूजिंग. वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी हियर. अ हिंदू ट्रेडर फार्मर एज वेल एज अ मुस्लिम फार्मर वर्किंग टुगेदर हियर सेलिंग गुड एंड ड्राइड कोकोनट. But they say that they're not even doing business worth 25% of what they were actually doing till last year in this season. This is the season when they sell the products that they are. But it's not really happening at that level, and that is only because of lack of cash in this market. ये दुकान आपकी है? क्या क्या बेचते हैं यहाँ पे आप? सब बर्तन बेचते हैं हम यहाँ पे. बर्तन वगैरह? हाँ, बर्तन वगैरह सब बेचते हैं. अच्छा, कैसा बिक्री हो रहा है अभी मार्केट? बहुत अच्छा बिक्री है, कोई टेंशन नहीं है. हाँ, कोई टेंशन. 500,000 बंद होने से आपको कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है. आपको छुट्टे का कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई सब अवेलेबल हो जाता है अभी. मिल जा रहा. कितना बिक्री किया आज आप? आज आपने 8-10 हजार रुपए का बिक्री किया है. और वही आपका हमेशा होता है? हमेशा जितना होता उतना ही.
कोई इंप्रेस नहीं इसके अंदर। सो लोग बोलते हैं हमको छुट्टा नहीं मिल रहा है, पैसे देने को नहीं हो रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा माहौल कोई भी नहीं है। मोदी के आदमी नहीं, नहीं ऐसा नहीं रहता। क्या बोल रहे मोदी के आदमी ना, उनको प्रॉब्लम नहीं होंगे। आपको है प्रॉब्लम, फिर क्या प्रॉब्लम? आम जनता को प्रॉब्लम है, भाजपा लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, जनता को प्रॉब्लम है। 2000 की चिल्लर कैसे देना, कैसे देना 2000 की चिल्लर लाए नोट छोड़े कैसे देना पब्लिक को? आपके यहाँ पे हमारे पास में अभी भी चिल्लर ना छुट्टा है, हमारे जेब में छुट्टा है ना हमारे पास में। इनका काम हो गया, हमारा क्या है? जो तारीफ कर रहा है उसका सब है, जो तारीफ नहीं कर रहा उसका कुछ नहीं है। आपको सबसे बड़ी परेशानी अभी क्या हो रही है? सबसे बड़ी परेशानी 2000 की नोट, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो 2000 का नोट लेके जो आ रहे हैं आपके पास छुट्टा नहीं? नहीं का है? नहीं हमारे पास छुट्टा है, 2000 का नोट लेके भी आए तो हमारे पास में छुट्टा है, अवेलेबल हो जा रहा है यहाँ पे। जिसका बिजनेस दिन में से 2000 रुपए धंधा हो रहा है उसको 2000 का नोट आई तो कैसे चिल्लर देना वापस, कैसे देना? आप क्या चीज बेचते हैं? हम बर्तन की दुकान है, इधर थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर बर्तन की दुकान है पर उधर के साइड में। अच्छा पीछे है आपकी दुकान, जिसको लेने का है वो तो खरीदने वाले। आज मेरे पास शादी के दो गिराक हो गए यहाँ पे, पूरे आम जनता को पूछ लीजिए यहाँ पे आप। मेरे पास जो धंधा है मेरा उनसे भी बढ़कर धंधा है मेरा, तो लेना जो मेरा धंधा है, जो आज का मेरा क्वांटिटी समझो, जो धंधा है मेरा काउंटर है आज का, तो मेरे को पीछे 1000 आते थे आज 2000 आए। मेरा दिन से दिन धंधा जो है मेरा तो बढ़ते जा रहा, कम नहीं हो रहा, घट रहा नहीं, बढ़ते जा रहा है। 8 तारीख से मेरा धंधा जो है और दुगना हो गया है। 8 तारीख से आपका दुगना हो गया? दुगना हो गया मेरा, कम नहीं हो गया है। ऐसे कैसे हो गया है? वही उसी मार्केट में एक कह रहे हैं कि उनका आता है छुट्टा देते हैं हम, ये लोग छुट्टा नहीं देते, जेब में रखते हैं और नहीं बोलते हैं मेरे पास छुट्टा नहीं है। पर ऐसा तो नहीं होता ना, जो बिक्री करने आया तो बिक्री करेगा ही ना, ये तो थोड़ा बहुत लाता ही चाहिए इधर उधर से, कहीं से भी किधर से किधर से प्रॉब्लम सॉल्व होता ही है। आप क्या क्या बेचने आए हैं? कांदा। आपको बिक गया? बिक गया। क्या आपको क्या 100-100 का नोट भी मिल गया? 100, 10, 50 सब नोट अवेलेबल, सब नोट अवेलेबल, कोई परेशानी नहीं। कुछ को है कुछ को नहीं है परेशानी? माने तो परेशानी है, नहीं माने तो परेशानी नहीं है, माने तो परेशानी है, नहीं माने तो 500 की नोट भी रही ना 1000 की रही फिर भी परेशानी थी वो टाइम। बाहर बाहर कपास 5000 की बजाय 3500 में बिक रहा है क्योंकि नोट नहीं है, आप उस पे ये बोले कि परेशानी नहीं है, आपको नहीं है परेशानी, हो सकता है मान सकते हैं आपको नहीं है, पर इनको है, इनको नहीं है। स्वेटर कितने का? ये वाला 450 और ये वाला? ये 550 550 400 रुपए का लेंगे तो क्या पुराना 1000 का नोट आप लेंगे हमसे? अरे नहीं नहीं नोट नहीं चल रहा 1000 की। और नया 2000 देंगे तो? हाँ ले लेंगे। हाँ छुट्टे हैं आपके पास? हाँ हाँ हम पूरे छुट्टे हैं। हाँ पूरे छुट्टे। कैसे बिक्री हो रहा है आपका अभी? अभी वो नोटों की वजह से थोड़ा कम हो गया था। अभी तो खैर मौसम शुरू हो रहा है आपका नवंबर दिसंबर में तो। हाँ आप यहाँ से धंधा उठेंगे और अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएंगे धंधा। पर नोट का जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे क्या परेशानी है सबसे ज्यादा? बस ये कि भाई चिल्लर नहीं मिल रही उसकी, उसमें डुप्लीकेट, वो परेशानी के धंधे हो जा रहे थे। उसकी वजह से कभी आपको कुछ नुकसान में बेचना पड़ रहा है क्या? ऐसा कुछ है, ऐसा हुआ है एक बार आपके साथ? एक दो मरतब हुआ है अंदर के बाजार में। अच्छा अभी का जैसे मौसम है नवंबर में, अच्छा दिन रहने से अच्छा समय, नोट का प्रॉब्लम नहीं होता तो कितना का बिक्री करते थे? तो नोट का नहीं प्रॉब्लम तो ज्यादा धंधा होता, फिर पूरा माल बिक जाता था, पूरा खत्म हो जाता था, लगे समझो बहुत कस्टमर तो बहुत गिराक भी आते थे हमारे पास। अच्छा अब तो कुछ गिराक भी नहीं, कुछ गर्दी नहीं, लोगों के कपास भी कम भाव में बिक रही है, वो नवे नोट दे रहे कम भाव दे रहे वो जैसे, फिर लोग अभी शेतकारी बेच रहे नहीं माल, राम भी परेशान, सब पूरा परेशान होगा। हम 1000 का नोट देंगे तो आप हमको नहीं देंगे? नहीं नहीं हम ज्यादा दाम देंगे तो भी? नहीं नहीं चलती नहीं ना, बंद होगी ना, कोई नहीं ले रहा उसको। 1000 तो अभी आप बदली करा सकते हैं ना 30 तारीख तक? अरे नहीं ले रहे नहीं ना, काय में डालना उसको, अकाउंट नहीं खाते नहीं कुछ नहीं। आपका अकाउंट नहीं है? नहीं मारवाड़ी भी ले रहे नहीं, मारवाड़ी लोग भी नहीं लेते? नहीं बड़ा सेठ भी नहीं लेता ना। नहीं ले रहा। आपका खाता नहीं है बैंक का? नहीं नहीं। तो आप पूरा काम जो है कैश में करते हैं अपना? हाँ बस लेन देन चलता, जो बच्चा वो खाने पीने में चल जाता, डिंगा बाजार भर जाता। अच्छा ये बताइए इसके पहले जो आपके पास 8 तारीख को तो जब बोला तो आपके पास कुछ तो पैसा रहा होगा? हाँ तो वो हमने उसको दे दिए थे पूरे खट्टे। किसको? व्यापारी को, सेठ को। पूरे सेठ को दे दिए? सेठ ने उसका पूरा पैसा वापस किया? नहीं माल दिया था हमको माल। हाँ बस फिर हो गए पैसे, अभी बाद में चिल्लर जमा कर रहे। अच्छा तो उसने आपको पूरे 500 रुपए पुराने नोट पे दे दिया माल?
हाँ तो उसको भी मालूम नहीं था कि बंद हो रहे कि चालू हो रहे। मतलब आप फायदे में निकल गए। आप अपना 500 सल्टा दिए वहाँ पे। हाँ पूरे दे दे खट। अब वो कैसा बैंक से पैसे लेते गोल्ड रख के वो हिसाब से होगा। अच्छा तो उसने ले लिया आपसे 500,000। आप लेंगे 1,000 का नोट? 1,500 का तो बंद होगा। बंद हो गया। 30 तारीख तक तो बदली करा सकते हैं। तो माल का एकल आना। माल का एकल आना। बदली करके देते नहीं ना, 2,000 रुपए दे रहे, 2,000 में माल थोड़ी आएगा हमारा। माल नहीं आएगा। कहाँ आएगा? कैसा बिक्री हो रहा है आपका? बिक्री तो मंदी चालू है अभी बहुत ज्यादा। कितना पहले 100 बिकता था तो अभी कितना बिक रहा है? अब 20 भी नहीं बिक रहा। 20 भी नहीं है? नहीं। Well, that was a wrap on this edition of the Great India Road Trip. The trip is just half over. Ground reports and stories from semi-urban and rural India and how they are dealing with the demonetization move will continue here on CNBC TV 18. Many thanks for watching.